खराब हो जाएंगे तो मेहरबानी है तुसी इत्थों दे गवर्नर हो ते तुसी हालात नू कंट्रोल करो। नुमान बिन बशीर जरा नेक तबा आदमी सी अच्छी तबीयत दा बंदा कहन लगा मैं मुहम्मद दे नवासे नाल किवें मुकाबला कर सकना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किवें मुकाबला कर सकना। उन्हां दी मेहरबानी है वह भी हालात का जायजा लैण ते मैं भी हालात का जायजा लैना। खैर उन्हें नरमी बरती अपनी तबीयत के मुताबिक उन्हें जरा नरमी बरती है ते सारे लोग चंगियां तबीयतां वाले नहीं होंदे कई फितना परवर भी होंदे ने कई झगड़ालू भी होंदे ने कई बदबख्त फितनेबाज भी होंदे ने। ਇਥੋਂ ਕੂਫਿਓਂ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਯਜ਼ੀਦ ਬਿਨ ਮੁਆਵਿਆ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ कूफे दा गवर्नर नुमान बिन बशीर ए हुसैन दे कासद नाल तावन करदा पिया और मुस्लिम बिना की लोगां कोलों बैत लैंदा पिया और लोग इन्ना दीवाना वार बैत करदे ने पै 4000 बंदे ने बैत कर लिए फिर 5000 हो गया फिर 10000 हो गया फिर 18000 हो गया। एक रवायत दे मुताबिक 40000 कूफिया ने मुस्लिम बिना की हाथ ते हुसैन दी बैत कर लई है 40000 कूफिया ने हुसैन दे हाथ ते यानी मुस्लिम बिन अकील दे हाथ ते हुसैन दी बैत कर लई है। उधरों यजीद ने वेखिया ना कि नुमान बिन बशीर कोलो हालात कंट्रोल नहीं होणगे इन्ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जेड़ा बड़ा बदबख्त इंसान समझिया जांदा और यजीद जाती तौर ते इनू पसंद नहीं करदा ए बावजूद इस दे कि इनू पसंद भी नहीं करदा लेकिन हालात नू कंट्रोल करने वास्ते उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद नू जनाबे हजरत मुस्लिम बिन अकील दी सरको बी वास्ते उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद नू कूफे दा गवर्नर बना के भेजिया और आर्डर की दिता के जाके नुमान बिन बशीर नू माजूल कर देना और तू जाके कूफे दी सरबराही संभाल लेना। नुमान बिन बशीर हालातों बेचारा मजबूर है इधर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आया अपना चेहरा काले कपड़े नाल छुपाया होया आ रहा ते इंज गलियां चो गुजरदा पिया कूफे वाले ते समझ रहे ने पता नहीं नवासा रसूल ही आ गया है। अरे का कूफे वाले समझ रहे ने आमिना दे दुर्रे यतीम दा प्यारा लखते जिगर हुसैन आ रहा है ए जेड़ी गलियों गुजरदा लोग समझदे ने शायद गर्मी दी शिद्दत तो इन्ना अपना चेहरा छुपाया है। लोग कह रहे ने असल जवाब नहीं दे रहा कसरे खिलाफत दे कोल चला जांदा। नुमान बिन बशीर ने भी ए कोई समझिया कि हुसैन बिन अली आ गए ने रजी अल्लाह तआला अन इन्हें कसरे खिलाफत नू ताला लगा दिता कह लगा जनाब मैं तुहानू अंदर नहीं दाखिल होण देना। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अजे तक नुमान ने पहचानिया नहीं भाई आया कौन है इन्हें यही समझिया कि हुसैन आए ने कह लगा जनाब तुहाडी मेहरबानी वापस चले जाओ मैं तुहानू अंदर नहीं जे दाखिल होण देना। ते फिर सोचिया दिल दी नरमी है ना कुछ लोग नरम भी होंदे ने फिर सोचिया आखिर नबी दा नवासा ते दरवाजा ते खोलना चाहिए नबी दे नवासे दा ख्याल करके दरवाजा खोल दिता गवर्नर हाउस दा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अंदर दाखिल होया इन्हें अपने चेहरे तो कपड़ा हटाया नुमान बिन बशीर दे हाथों दे तोते उड़ गए परेशान हो गया बन की गया मेरे को एक बड़ी वड्डी सियासी गलती हो गई है लेकिन बहरहाल उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने आके कूफे दा कंट्रोल अपने हाथ विच ले लिया है। उधर मुस्लिम बिन अकील अपनी जगह मुतमइन ने हानी बिन उरवा दे घर इन्ना डेरा पाया होया
अल्लाह दर्जिया ने इस बद बख्त लई ने जमाना उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने पता चलाने वास्ते अपना एक गुलाम बतौरे जासूस दे हानी बिन उरवा दे घर भेजा जाके इन्हें मुस्लिम बिन अकील दे हाथ ते बैत कीती ते नाल ना काफी सारे को 3000 दिरहम ए जनाब मुस्लिम बिन अकील नूं पेश कीते कि जनाब मैं तुहाडा बड़ा खैर खां मैं हुसैन दा बड़ा मनण वाला वां ए मेरे वल्लों हदिया तोहफा कबूल फरमाओ। ए मुस्लिम बिन अकील ने नाल अपना जेड़ा साथी सी खाजन रखिया सी फरमाया ओदे तक जमा करवा दिओ पैसे वसूल कर लगा और गल पक्की हो गई। ते ए बदबख्त ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आके दसिया कह लगा मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरवा दे घर हानी बिन उरवा नू तलब कीता जांदा कह लगा मुस्लिम बिन अकील तेरे घर नहीं जनाब मेरे घर कित्थों आना मेरे घर की लैन आना उधरों बेईमान जसूस सामने आया जनाब मैनू पहचान दे सियान दे हां हां पहचानना वा मेरे घर तेरी मुलाकात होई है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कह लगा अच्छा मुलाकात होई है कह लगा जी आपे ही आया मैं ते नहीं बुलाया। खैर गल कन्फर्म हो गई कि इब्ने ज़ियाद नू पता लग गया हानी बिन उरवा दे घर मुस्लिम बिन अकील इन्हें हानी बिन उरवा नू गिरफ्तार कर लिया है इनू जख्मी भी कर दिता है लोगों नू जिवे जिवे पता लगन लोग भी एदी मदद वास्ते तावन वास्ते निकले ने इधरों मुस्लिम बिन अकील नू खबरां मिलियां ए भी जल्दी नाल अपने हथियार सजा के बाहर निकले हजारां दी तादाद विच पिछे कूफे वाले ने इन्हें जाके गवर्नर हाउस दा घेरा पा लिया है लेकिन लोगों ने अपने अपन रिश्तेदारियां अपने अपने ताल्लक वास्ते जगा के ना लोगों नू मुंतशिर करना शुरू कर दिता है। अल्लाह अल्लाह ओए हजारां दी तादाद विच मुस्लिम बिन अकील दे नाल आउण वाले हुण हाल हो गया कि सिर्फ 300 बंदा असर तक हजारां दे विचों सिर्फ 300 बंदा ए जनाबे मुस्लिम बिन अकील दे नाल रह गया। जदों मगरब दी नमाज दा टाइम होया इन्हां 300 दे विचों सिर्फ 30 बंदे नाल रह जांदे ने मर्जियां मेरे मौला दियां एक एक करके सारे चले जांदे ने। अल्लाह अल्लाह मुस्लिम बिन अकील परेशानी दे आलम दे अंदर हुण इंज लगदा है जिवें मौत सिर ते मंडलांदी है बई इंज लगदा है जिवें हुण मौत दे आहनी पंजे करीब करीब आ रहे ने। मुस्लिम बिन अकील थकिया टुटिया रात दा वेला अंधेरा अंधेरा छा गया कूफे दियां गलियां अंदर एक गली दे विचों दी गुजर रहे ने हिम्मतां जवाब दे जांदियां ने प्यास दी शिद्दत नाल होंठ खुश्क हो रहे ने एक दरवाजे विच बैठ जांदे ने बीबी ने वेख्या कोई अजनबी जिहा बंदा बैठा होया दरवाजा खोल के पुछदी है वे तू कौन है कहन लगे बीबी मैं मुसाफर बंदा वा मैनू को पानी दा घुट ते पिला दे बीबी पानी लिया के पेश कीता पानी पिला के कहन लगी वे वीरा लोकां दे बुवेयां च इंज बैंदा बंदा चंगा नहीं लगदा जा अपने घर दी राह लै जाके। मुस्लिम बिन अकील फरमांदे ने बीबी शायद तैनू पता नहीं इत्थे मेरा घर भी कोई नहीं शायद तैनू पता नहीं इत्थे मेरा खानदान भी कोई नहीं कामु की वालियो इहो जे मौकियां ते अपने दियां यादां सतांदियां ने। मुस्लिम बिन अकील आंदे होणगे बीबी मेरा मां जम्मिया वीर इत्थे कोई नहीं जेड़ा मेरा दस्तो बाजू बन जाए इत्थे मेरे सिर ते किसे वड्डे दा साया नहीं जेड़ा मेरा मुआवन ते मददगार बन जाए। मैं मुस्लिम बिन अकील आं ते हुसैन दे चाचे दा बेटा वां ते मैनू पनाह दे देवे ते तेरी मेहरबानी तेरा शुक्रिया अदा करांगा। बीबी ने दरवाजा खोलिया अपने घर दे अंदर छुपा लिया है उधरों मुस्लिम बिन अकील दे
नाम का ऐलान हो गया। जेड़ा मुस्लिम बिन अकील नु गिरफ्तार करवाएगा ओनू इनाम दे दिता जाएगा। ऐसे औरत दा बेटा ए जालिम अंदर दाखिल होया, पता लगा के मुस्लिम बिन अकील ते इत्थे वे, इन्हे फौरन इत्तला दे के गिरफ्तार करवा दिता है। मुस्लिम बिन अकील जनाबे हुसैन दे कासद नूं कूफे दे कसरे खिलाफत दे अंदर पहुंचाया जांदा। हालात दा सामना करन लई तैयार ने, मौत सामने नजर आ रही है, ते फरमांदे ने कोई है वे जेड़ा हुसैन नूं जाके पैगाम दे देवे, हुसैन नूं जाके दसे मैं इस तो पहला हुसैन नूं खत लिख चुका वा के हुसैन हालात बड़े साजगार ने, आओ लोग ते तुहाडा इंतजार पे कर देने, लोग ते तुहाडे राह विच पलकां बिछाण लई तैयार ने, मैं ये चिट्ठी लिख चुका वा। कौन है जेड़ा हुसैन नूं जाके दसे हुसैन कूफे वाले वफादार, हुसैन कूफे वाले वफादार नहीं। अल्लाह अल्लाह, ओ खत ते चिट्ठी हजरत हुसैन तक पहुंच चुका है। उधरों हजरत हुसैन ने आन दियां तैयारियां फरमा लिया ने। हजरत इब्ने अब्बास अगों दी आके मिलदे ने, फरमांदे ने हुसैन ना जा कूफे, कूफे वाले तेरे अबू नाल वफा नहीं कीती। हुसैन ना जाई कूफे, कूफे वाले ने अली नाल बेवफाई कीती। हुसैन ना जाई कूफे, हुसैन इन्हां ने तेरे वीर हसन नाल बेवफाई कीती। फरमांदे ने इब्ने अब्बास आ वेखे ना, इन्ने खत कूफे वाले ने भेजे ने, मैं ते बड़ा पुर उम्मीद हां नाले मुस्लिम बिन अकील ने सुनिया कलिया, हालात बड़े साजगार ने। इब्ने अब्बास फरमांदे ने मैनू जे हुसैन दी इज्जत दा ख्याल ना हुंदा, मैं हुसैन दे वालां तो फड़ के खिच के इनू थले बिठा दिंदा। ना जा हुसैन कूफे ना जा। हुसैन फरमांदे ने मैं जान दा फैसला कर चुका वां, मैं ते हुण जाना ही जाना है। फरमांदे ने हुसैन फिर कल्ला टुर जा, औरतां नूं नाल लैके ना जा, मासूम बच्चियां नूं नाल ना लैके जा। मैनू डर लगदा है हुसैन, किते कूफे वाले तेरे ना बेवफाई ना कर छड़। ना मन्नी जनाबे इब्ने अब्बास दी, और भी नबी दे सहाबा ने मशवरे दिते, और भी सहाबा ने सलाहां दितियां। जनाबे हुसैन अपने मौकफ ते डटे ने ते कायम ने, कूफे दी तरफे तशरीफ ले जा रहे ने। राह आउंदे आउंदे एक फरजूक नामी शायर है, बहुत बड़ा शायर है, अगों दी आ रहा है। हजरत हुसैन ना मुलाकात हुंदी है, हजरत हुसैन फरमांदे ने फरजूक दस खां किधरों आ रहे हैं, ते कूफे वालियां दे बारे तेरा की ख्याल है। ओ आंदा हुसैन जे सच्ची गल पुछना है, उन्हां दे दिल तेरे नाल होंगे ते तलवारां यजीद ना होंगी। दिल तेरे नाल और नदियां तलवारां यजीद नाल होनगियां। मेरे प्यारे हुसैन ने तैयारी जो कर लई है, हुण अगे जान दा मुसम्मम इरादा फरमा लिया। मर्जियां मेरे मौला दियां, उधर मुस्लिम बिन अकील नूं शहीद कर दिता जांदा। इधरों खबर हुसैन तक भी पहुंच गईयां, फरमांदे ने हालात जैसे भी होण, हुण मैं ते कूफे जा गई रवांगा। नाले वैसे भी मुस्लिम बिन अकील दे जेड़े रिश्तेदार ने, उन्हें आखिया जनाब असा हुण वापस नहीं जाना, असी अपने रिश्तेदार अपने भाई दा मुस्लिम बिन अकील दा बदला लवांगे ते फिर वापस जावांगे, या जो भी सानू हालात दा सामना करना पिया असा हुण वापस मदीने नहीं जाना, असा मुस्लिम बिन अकील दा हुण बदला भी लैके आउणा। जनाबे हुसैन हुण चांदियां ना चांदियां
मंजल ब मंजल सफर तय करते जा रहे ने। उधरों इबने सियाद ने मुकम्मल तैयारियां कर लिया ने। पता लग गया कि हुसैन इबने अली भी आ रहे ने। रज़ी अल्लाह तआला अनुहुमा इन्हें तैयारियां मुकम्मल कर लिया ने। उमर बिन साद नु इन्हे काफले का सलार बना दिता है। हजरत हुसैन मंजल ब मंजल सफर तय कर दे जा रहे ने। पहुंचदिया आज जिथे मारका करबो बला पेश आया। जनाबे हुसैन ने अपने घर वाले समेत अपने साथियों समेत इथे जाके डेरा लगा लिया है। हजरत हुसैन ने किसे कोलो पुछया आज जिथे असा आके डेरा लगाया इस जगह का नाम की है। दसन वाले दसिया एदा नाम करबला है। फरमांदे ने करब ते बला मुसीबतां ते इबतला। करब दा माना मुसीबत बला दा माना इबतला है। एदा मतलब है शायद अल्लाह वल्लों कोई इम्तिहान आ रहा। उधरों दुश्मन ने पूरी तरह तैयारियां कर लिया ने। उमर बिन साद नू सलारे लश्कर बनाया। कहन लगे हुसैन दा रस्ता बला करना। हुसैन किसे तरह कूफे ना आना पाए। हुकूमत दिया अपन अपन तजवीजा होंदिया ने और हालात नू कंट्रोल करन दा अपना अपना तरीका होंदा। आ तुहाडे मुल्क दे अंदर वेख लो इस्लामाबाद तो अगर रैली चलनी है उन्हें लाहौर दाखिल होना रस्ते कंटेनर लगा के सड़कां ब्लॉक कीतियां जांदियां ने। या लाहौर तो कोई इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहता ए दारुल खिलाफा इस्लामाबाद च दाखिल होना चाहता वो सारे शहर का कंटेनर नाल मुहासरा कर दिता जाता। सड़क बना कर दितिया जांदियां ने। हत्ता के पैदल गुजरन वास्ते भी शायद रस्ता मुयसर नहीं आउंदा। इन्होंने अपनी हिकमत अमली बनाए। कह लगे हुसैन कूफे नहीं दाखल होन देना। हजरत हुसैन दे मुकाबले आ कूफी फौजा खड़िया होइया ने। कूफे दे दुश्मन ते जालिम आके जनाबे हुसैन दे मुकाबले च खड़े ने। जनाबे हुसैन फरमांदे ने ओ कूफे वाले आवे खत तुसा लिखे ने। ऐ खत फलाने दे नामो आया। ऐ फलाने ने चिट्ठी लिखी है। ऐ फलाने ने चिट्ठी लिखी है। आपे ही तुसी मैनू बुलान वाले आज आपे ही मेरिया मुखालफतां करन ते उतर आए। कह लगे हुसैन गल्लां तेरिया सारिया सच होन गया। कदों असा तैनू खत लिखे ने ओए इत्थों ही पता लग गया एक कौम वफादार और कूफे वाले वाकियातानी जनाबे अली नाल बेवफाई की है। हुसैन नाल भी बेवफाई की है ते हसन नाल भी बेवफाई की है। आंदे ने हुसैन असां कदों तैनू चिट्ठियां लिख के बुलाया। असां कहनू कदों तैनू खत लिख के बुलाया। हुसैन परेशान ने खैमे लगा दिते गए। अंदर औरतां नू रखिया गया है। हजरत हुसैन ने वेखिया हुण हालात साजगार नहीं। दुश्मन पूरी तरह तैयार हो चुके ने। फरमांदे ने तीन शर्तां मेरिया सामने तुहाडे ने। इन्हां चो एक मन लो ते सुलह दी कोई सूरत निकल सकदी है। हाँ जनाब दसो। कह लगे पहली शर्त एवे मैनू यजीद कोल जान दिओ। पहली शर्त एवे मैनू यजीद कोल जान दिओ। मैं ते यजीद आपे ही बह के अपने मुआमलात तय कर लवांगे। अगर एदे ते तुहानू इतराज है फिर मैनू आजाद कर दिओ। मैं किसे सरहद ते चला जावां उत्थे जाके दुश्मना नहीं सलाम नाल जंग कर दे मैं जामे शहादत नोश कर जावां। ते तीसरी मेरी शर्त एवे कि मैं वापस हुण मदीना तैयबा चले जाना वा। कुछ लोगों ने एदे ते
कंप्रोमाइज करने की कोशिश की है, लेकिन शिमर जैसे लई ने जमाना ये कह लगे जे हुसैन यजीद को चला गया इन्होंने आपस के मामलात तय हो जाने ने। और इब्ने ज़ियाद जे हुसैन की मुलाकात यजीद न हो गई ते तेरी की वैल्यू ते तेरी की हसीयत रह जानी है। और कई का उल्लू सीधा होंगे लड़ाई के अंदर, दोवानू आपस में लड़ाओ